नमस्कार, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी। आज हम लेकर आए हैं साप्ताहिक लव राशि फल 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। आपका समय कैसा रहने वाला है? आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या फिर आपके मैरिड लाइफ, इन तीनों रिश्तों में आपको कैसा समय देखने को मिलेगा? यहाँ पर कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनको बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर ये लोग सावधान नहीं रहे तो जाहिर सी बात है, इनका ब्रेकअप हो जाएगा, पार्टनर अलग हो जाएगा, इनसे नो कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। वहीं कुछ ऐसी भी राशियाँ हैं जिनके लव लाइफ में और इनके जीवन में हम कह सकते हैं पुनः बहार आने वाली है। इनके एक्स पार्टनर भी इनके लाइफ में वापस आएंगे, बशर्ते आपको जो जानकारी हम दे रहे हैं एक गोचर के अनुसार और चंद्र राशि के आधार पर दे रहे हैं। ये जानकारी 110% उन्हीं लोगों पर लागू होगी जिनकी कुंडली में ग्रह दशा शुभ ग्रह की चल रही हो। जैसे कि मान लीजिए आपके कुंडली में जो अंतरसा और प्रत्यंतरसा है वो शुभ ग्रह की चल रही है आपके शुक्र की, या फिर आपके पंचमेश की चल रही हो और आपके पंचमेश पीड़ित ना हो, तो 110% जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा ही आपके साथ होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका ब्रेकअप राहु की वजह से हुआ है, उनके लिए हमने कहा है कि अभी आपको पता है नवरात्रि चल रही है, देवी मैया की विशेष आराधना करें, आप दुर्गा सप्तशती में आप कवच का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप पाठ करवाना चाहें तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे जो आचार्य जी लोग हैं वो आपका पाठ कर देंगे, उनका जो दक्षिणा होगा वो आप पे कर देना और आपका जो नाम और गोत्र लगेगा तो जो लगेगा वो आपसे बोल दिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पर। आप मेष राशि के व्यक्ति हैं और आप इस सप्ताह में अगर इंतज़ार कर रहे थे कि आपका सब कुछ अच्छा हो जाए, तो आपका यह सप्ताह है जो आपका इंतज़ार था वो ख़त्म करवाने वाला है, क्योंकि आपके लाइफ में पुनः खुशी आने वाली है और हम कह सकते हैं आपके जो एक्स पार्टनर या फिर जो आपका खोया प्यार था वो आपके जीवन में पुनः वापस आने वाला है। अगर कोई व्यक्ति मेष राशि का आपका पार्टनर रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति सिंह का रहा हो, या कोई वृश्चिक राशि का, या धनु राशि का, या कुंभ राशि का, इन राशियों के एक्स पार्टनर से आपका संपर्क होगा और आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उस रिश्ते में भी काफ़ी खुशियां देखने को मिलेंगी। दूसरी राशि वृषभ है। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह इतना अच्छा नहीं है, आपसी मतभेद देखने को मिलेंगे, आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहेगी जिस वजह से आपके रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहेंगे। वहीं अगर आप किसी से नो कॉन्टैक्ट में हैं, कोई एक्स पार्टनर है, आप उनका अगर इंतज़ार कर रहे थे अपने साइड से उन्हें कॉल या मैसेज करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप जब करोगे तो उनका एक एटीट्यूड सामने आएगा और जिस वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं इतना अच्छा आपके लिए है सप्ताह नहीं है, ठीक है। वहीं पर तीसरी राशि बताएंगे, उससे पूर्व हम आपको बता दें, आप रियलिटी जानना चाहो, अपने लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, आपको किसी ने अपना बना के भी अगर छोड़ दिया तो किस वजह से ऐसा हुआ है, इन सभी चीज़ों की अगर रियलिटी जानना हो तब आप पर्सनल संपर्क कर लेना। थोड़ा चार्ज जरूर लगेगा लेकिन जो सत्य होगा आपको वही बताया जाएगा, और सत्य सुनने की आप क्षमता रखो तब हमारे पास संपर्क करना। मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, अगर आप सावधान नहीं रहे जाहिर सी बात है आपको अपने पार्टनर से हाथ धुलने पड़ेंगे, मतलब वो व्यक्ति ब्रेकअप कर सकता है आपसे और आपको हमेशा के लिए छोड़ सकता है। तो मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह में काफ़ी सावधानी बरतनी है। वहीं चौथी राशि कर्क है। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है, आप मैरिड लाइफ में भी देखा जाएगा, आपसी संबंध आपके बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, प्यार बढ़ेगा आपस में, और आप लोग अगर सेपरेशन भी आपका चल रहा था तो वो भी ख़त्म होगा, और अगर आप किसी से लव करते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता था या समय कम देता था, अब ऐसा नहीं होगा, इस सप्ताह में वो प्रॉपर आपको समय देगा और आपके साथ उनका रिश्ता काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा। वहीं पाँचवीं राशि सिंह है। सिंह राशि वालों के लिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आपका कोई एक्स पार्टनर है, उनसे आपको खुशी मिलेगी, बशर्ते आपको अपने साइड से प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। आपके जो एक्स पार्टनर आपके जीवन में वापस आएंगे, उन्हें कोई वृषभ राशि का हो या फिर कोई व्यक्ति आप ही के नाम राशि का हो, सिंह का, या कोई कन्या राशि का, या फिर कोई धनु राशि का, या मीन राशि का, इन राशियों के एक्स पार्टनर की वापसी होगी और पहले की तरह आपका रिश्ता हो जाएगा, अब इतना अच्छा संयोग बन रहा है गोचर में। वहीं पर छठी राशि कन्या है। कन्या राशि वालों को सावधानी बरतनी चाहिए,
आपकी लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में या एक्स्ट्रा मैरिड लाइफ में इतना अच्छा समय नहीं है। आपके साथ छोटी छोटी बात को लेके कहा सुनी हो सकती है पार्टनर से, पार्टनर इग्नोर करते नजर आए, तो आप लोग सावधान रहें। लेकिन अगर आपका कोई एक्स पार्टनर है, आप उनसे बात करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनसे आपका संपर्क हो जाएगा, वो आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर देंगे और हम कह सकते हैं आपका कोई पुराना प्यार आपके जीवन में वापस आएगा और उनसे खुशी भी मिलेगी। सातवीं राशि तुला है। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह इतना अच्छा नहीं है, आप भी सावधान रहें। पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी रहेगी और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो थर्ड पार्टी में रहे, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, तो वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम वो आपके रिश्तों में करवाएंगे। तो आप इस सप्ताह में साइलेंट रहें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। वहीं आठवीं राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियाँ लेके आ रहा है। आपके जो आपसी संबंध है बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आप लोग आपस में कई बार आपका मिलना जुलना भी होगा आपको, लेकिन सावधान रहना चाहिए। अपने किसी नए पर्सन से अगर आप जुड़ रहे हैं तो उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं पर अगर आपका कोई एक्स पार्टनर है, आप अपने साइड से उन्हें कॉल या मैसेज करने के लिए सोच रहे थे, कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। वहीं नौवीं राशि धनु है। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह मीडियम देखने को मिलेगा, ना तो अच्छा ना ही कुछ बुरा सुनने को मिलेगा। वहीं दसवीं राशि मकर है। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत खास रहने वाला है। हम कह सकते हैं आपके जीवन में पुनः बहार आने वाली है प्यार की, आपको आपका प्रेम मिलने वाला है। कोई एक्स पार्टनर आपका था, वो आपके जीवन में वापस आने वाला है और आपका रिश्ता बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इस सप्ताह में। आप कहीं बाहर जाने के लिए सोच रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छा ही हुआ। अगर आप सिंगल थे तो आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होगी। वहीं ग्यारहवीं राशि कुंभ है। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा देखने को मिलेगा, विशेष जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मतलब जिनका कोई पार्टनर इनसे अलग था, उस रिश्ते में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वो पार्टनर आपका साथ देगा और हम कह सकते हैं उससे अब आपका संपर्क होने वाला है, पहले की तरह वो रिश्ता कर लेगा आके, वो स्वयं से ही आपको कॉल करेगा। कोई व्यक्ति मेष राशि का हो या कोई सिंह राशि का या कोई तुला राशि का या फिर कोई मकर राशि का, इन राशियों के एक्स पार्टनर की वापसी होगी और अच्छा इनके साथ आपका रिश्ता देखने को मिलेगा। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उस रिश्ते में भी काफ़ी प्यार, काफ़ी नज़दीकियाँ देखने को मिलेंगी। बारहवीं राशि मीन है। मीन राशि वालों को इस सप्ताह में सावधान रहना चाहिए। आपके ब्रेकअप जैसे योग बन रहे हैं, अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, छोटी छोटी बात को लेके कहा सुनी होगी और काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो मीन राशि वालों को सावधान रहना चाहिए, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, या फिर आप किसी से नए जुड़ रहे हो, तो उस रिश्ते में भी आपको सावधान रहना चाहिए, ठीक है। ये जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है गोचर के अनुसार चंद्र राशि के आधार पर है। आप रियलिटी जानना चाहें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर सर्च करें एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी, वहाँ भी आप हमें DM में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मैं कल पुनः मिलूंगा नई वीडियो के साथ। जय श्री।